हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवान्स वर्ल्ड। तो आज मैं बैंगन का भरता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए देख सकते हैं, एक बड़ा सा बैंगन ली हूँ और 8-10 लहसुन की कलियाँ मोटे मोटी, और उसे छील लेंगे। और बैंगन को धुल ली हूँ अच्छे से, और बीच से एक कट लगा देना है जिससे हम देख पाएँ कि अंदर में कीड़े मकोड़े तो नहीं है ना। हमारा बैंगन अच्छा, देख सकते हैं बैंगन बिल्कुल ही अच्छा है, बीज भी ज़्यादा नहीं है। और इस तरह से चाकू से ही हम बैंगन में इस तरह से छील कर देंगे 8-10, और वो जो लहसुन की कलियाँ छील कर रखे थे उसे एक एक करके इस छील में डाल देंगे। जिससे बैंगन पकाएं तो लहसुन भी अच्छे से पक जाए, सोंधी सोंधी टेस्टी हो बैंगन का भरता। तो इस तरह से सारे लहसुन को हम बैंगन में इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे। और उसके बाद हम गैस पे बैंगन को पकाएंगे। हम चाहे चूल्हे पे पका सकते हैं, चूल्हे पे भी नहीं अवेलेबल है हर जगह, तो गैस पे भी डायरेक्ट आग पकाएंगे। और हल्का सा सरसों तेल लेके बैंगन के ऊपर अच्छे से लगा देंगे, जिससे बाद में हम बैंगन का छिलका उतारें तो प्रॉब्लम ना हो। गैस जलाई हूँ मैं, उस पर बैंगन को इस तरह से स्टार्टिंग में आँच धीमी रखेंगे, फिर लो करके धीरे धीरे करके बैंगन अच्छे से पका लेंगे, देख सकते हैं। और ये बिल्कुल ही सेम टेस्ट आएगा जैसे हमने भुना हुआ बैंगन का आता है, उसी तरह से इसका भी टेस्ट आता है। सो इस तरह से मुझे जब भी बैंगन का भरता खाने का मन होता है, बैंगन का चोखा भी बोल सकते हैं आप इसे, मैं इसी तरह से अपने घर में बनाती हूँ। सो गैस पे देख सकते हैं इसी तरह से बैंगन को मैं पका ली हूँ, और अब ऑलमोस्ट बैंगन पक ही चुका है। देख सकते हैं बैंगन भुन चुका है हमारा, जितना बड़ा बैंगन था छोटा। अब इस तरह इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे प्लेट में थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो ऑमलेट ठंडा होने के बाद हम धीरे धीरे इसका छिलका उतार लेंगे, और हाँ इसे धोएंगे बिल्कुल भी नहीं पानी से, नहीं तो बैंगन का सोतापन टेस्ट चला जाता है। सो हल्का ठंडा होने के बाद हम धीरे धीरे करके ऊपर के छिलकों को हटा लेंगे। आप देख सकते हैं बस बैंगन हमारा बिल्कुल भी अच्छे से पक चुका है, दिखा रही हूँ चाकू से कितने अच्छे से बैंगन पका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। सो गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, 2 चम्मच छोटे चम्मच तेल, थोड़ा सा जीरा। जीरा जलने के बाद हम 2 हरी मिर्ची, आपको जितना तीखा पसंद है आप ज़्यादा भी कम भी कर सकते हैं। मैं 2 हरी मिर्ची महीन कटी हुई डालेंगे। उसके बाद 1 बड़ा प्याज, उसे महीन चॉप्ड कर लेता था मैंने, डालूंगी। अब इसमें हल्की सी हल्दी, थोड़ा नमक, स्वादानुसार नमक जितना जितना बैगन अवेलेबल है। सो इस तरह से हल्दी नमक डालने के बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर से बैगन का चोखा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और एक और मसाला, पास्ता मसाला, हल्का सा पास्ता मसाला डाल दें, जिससे बैगन का भरता बनने के बाद बहुत ही डिलीशियस टेस्ट देता है। सो इस तरह से प्याज मिर्ची को भून लेंगे, और लहसुन तो मैंने ऑलरेडी बैगन में डाल दिया था। लहसुन मेरा पक चुका है पहले से ही। अब इस स्टेज पे हम बैगन जो भुना हुआ बैगन था उसे डालेंगे, और इसी तरह से चला लेंगे 2 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लेंगे। बस एक बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, बैगन का भरता तैयार है। पिसे रोटी पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं हमेशा अपने घर में इस तरह से बैंगन का भरता बनाती रहती हूँ। और बस अब इस स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे और हम इसे सर्व कर लेंगे। और अगर आपके पास धनिया पत्ता अवेलेबल है तो ऊपर से थोड़ा डाल सकते हैं, उस टाइम में मेरे पास नहीं था सो मैं नहीं डाली। और बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा सौंधापन बैंगन का भरता बना था। सो थैंक्स फॉर